my name is Stuti and releasing in a cinema hall near you is a film called Ruhi. धीरे धीरे things are opening up, अब पिक्चरें हॉल में रिलीज होंगी. सवाल सिर्फ ये नहीं है that is it worth your time and money, but also is it worth risking your health for? अब कोरोना का ब्लूटूथ ट्रांसफर तो अभी भी चल रहा है, रणबीर कपूर को हो गया है, वी हैव टू बी केयरफुल. और मैं ये सोच रही हूँ why risk it for a film like Ruhi is my only point. I'll explain. रूही देखते हुए एक और फिल्म की रूह आपके इर्द गिर्द मंडराएगी एंड दैट इज स्त्री. यू कैंट हेल्प बट कंपेयर द टू फिल्म्स एंड थिंग्स. और इसकी काफ़ी वजह है. एक तो थीम काफ़ी सिमिलर है, वही हॉरर कॉमेडी जॉनरा है. राजकुमार राव है, दिनेश विजन इसमें भी प्रोड्यूसर है एंड चुड़ैल है, स्त्री है, बंच ऑफ मैन गेटिंग स्केर्ड है एंड ऑल ऑफ दैट. आपको लगेगा लाइक इट्स कट फ्रॉम द सेम फैब्रिक, बट टेलर फर्क है. अब स्त्री में बढ़िया परफॉर्मेंसेस के साथ बहुत ही इंटेलिजेंट विटी राइटिंग थी, तो हंसी आती थी और एक रिफ्रेशिंग फील था उसमें. रूही ऑन द अदर हैंड हैज लिमिटेड लाफ्स एंड अ लॉट ऑफ व्हाट वी सी इज लाइक हाँ ये हमने देखा हुआ है, कुछ नया है. फिल्म की शुरुआती कुछ मिनट आर सेट असाइड टू गिव अस अ कॉन्टेक्स्ट. हमें पकड़ाई शादी के बारे में बताते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि लड़कियों को किडनैप किया जाता है और जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है. इस फिल्म में ये घटिया काम दो किरदार कर रहे हैं, वरुण शर्मा एंड राजकुमार राव. उनके ऑन स्क्रीन बॉस मानव विज जबरदस्ती उनसे ये काम करा रहे हैं एंड उनकी लेटेस्ट विक्टिम इज जानवी कपूर का किरदार रूही. बिफोर द इंटरवल मेजरली हम यही देखने में बिजी हैं कि कैसे ये दो पुरुष महापुरुष एक्चुअली हैरान, परेशान और आश्चर्यचकित हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट कि ओहो किसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि रूही के अंदर एक रूह है और वो रूह बड़ी डरावनी है. दैट्स व्हेन द होल चुड़ैल एंगल सेट्स इन, बट दैट इज ऑल्सो व्हेन द कॉमेडी आइडियली शुड हैव किक्ड इन, बट यू आर किकिंग योरसेल्फ, क्योंकि अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है. अच्छा, इन किरदारों का एक स्पेसिफिक एक्सेंट, एक लहजा है जो इंटरेस्टिंग है, बट उसे अडेप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है. तो शुरुआत में यू आर ओनली ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यू आर कैचिंग अप एंड देन यू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ द हाई पॉइंट्स इन द फिल्म, द सीन्स दैट आर सपोज्ड टू बी रियली फनी आर ऑलरेडी देयर इन द ट्रेलर. तो आपको पता है ना, एक ही जोक पे दोबारा उतनी हंसी नहीं आती है, तो वही यहाँ पे भी होता है. राजकुमार राव को देख के लगेगा जैसे लूडो के सेट से सीधा यहाँ पे आए. सिमिलर रोल, ये भी जरा ओवर ड्रामेटिक, हाई पिच, श्रिल टेरिटरी में है और उन्हें देख के कई बार लगता है थोड़ा मामला ओवर जा रहा है. वरुण शर्मा इज फॉर एवर चूचा. आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर दिस कैरेक्टर, बट आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी फनी. इवन दो उन्हें यही चीज करता हुआ हमने कितनी बार देखा है, पर यहाँ पे भी इस फिल्म में भी एवरी टाइम देर इज रूही एंड देर इज वरुण शर्मा ऑन स्क्रीन, यू आर हैविंग मैड फन. दिल खोल के हंस रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है. दो मिनट के लिए उम्मीद भी आ गई कि शायद ये फिल्म स्त्री जितनी फनी है, पर उसके बाद आप ऐसे घड़ी देखते हो और कहते हो कि नेक्स्ट जोक कब आएगा. ये तो बफर ही हुए जा रहा है, क्योंकि उसके बाद देर आर मेजर पोर्शंस विच आर फ्लैट. ना समझ में आता है, ना हंसी आती है. अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की हरकतों से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं. हॉरर ऐसे बनाते हैं कि डरने के बजाय हमें तो हंसी आ जाती है. यहाँ पे इट्स सपोज टू बी अ हॉरर कॉमेडी, इट्स सपोज टू मेक अस लाफ, बट इट डजंट डू दैट. अब हॉरर के सारे ट्रोप्स इंक्लूड किए, ऐसे लग रहा था चेकलिस्ट लेके बैठे. फ्लिकरिंग लाइट, खड़कती खिड़कियां, बंद होते दरवाजे, उल्टे पैर, साउंड इफेक्ट्स और डरावना मेकअप जानवी कपूर का, कि उन्हें बस एक्टिंग ना करनी पड़े, सिर्फ घूर के ही काम हो जाए. एंड एज फॉर कॉमेडी, लाइक आई सेड, है पर लिमिटेड है, फिर इवेपोरेट हो जाता है. इस फिल्म के डायरेक्टर हार्दिक मेहता ने अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, कामयाब बनाई थी उन्होंने संजय मिश्रा वाली, पर इस फिल्म में लग रहा है जैसे कमांड जो है उनकी स्लिप हो गई, उतने कामयाब नहीं रहे. एक तो आप ही सोचो, कोई इंसान इतने मेहनत मुशक्कत से पूरी की पूरी पिक्चर झेले और फिर उसे एंड ना समझ में आए, गुस्सा तो आएगा ना. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, बिकॉज द फिल्म्स एंडिंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग. एक तो चुड़ैल को इन्हें एक स्क्रीची आवाज देनी थी, उस चक्कर में इतना स्क्रीची कर दिया है कि ऑडिबल ही नहीं है. हाफ द टाइम यू कांट फिगर आउट कि चुड़ैल चाह क्या रही है, क्या बोल रही है. सो यू हैव टू गेस वट एवर लार्जर पॉइंट द फिल्म मेकर्स वर ट्राइंग टू मेक. इट इज सो कॉन्वल्यूटेड, यू डोंट अंडरस्टैंड इट. ठीक है, प्रॉबली दे वर ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट फेमिनिज्म, कि यू नो मैं अपने सारे साइड्स, गुड एंड बैड को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद ही खुद से खुश हूँ, खुद ही खुद से प्यार कर रही हूँ, वट एवर इट इज़.
बट बात बनी नहीं, इट डिडंट कम टुगेदर, नहीं आया समझ में यार। फिल्म के एंड में एक किरदार गायब हो जाता है, यू कीप वंडरिंग कि क्या कनेक्शन था, कहाँ गया। आप क्या वेट करें कि स्पार्क नोट्स आएंगे, कुंजी होएगी इसकी, मतलब यार इट्स नॉट इवन श्रीराम राघवन अंधाधुन कि 6 महीने तक आप एंडिंग को ही इंटरप्रेट करते रहो। इट्स अ सिली फिल्म, यू शुड हैव टोल्ड अस। टाइम वेस्ट सिर्फ हमारा नहीं हुआ है, कई सारे लोग जिन्होंने फिल्म में काम किया है उनका भी हुआ है। राजेश जैस, मारव विज, गुड एक्टर्स, बट दिस जस्ट सो मच दैट दे कुड डू इन अ फिल्म जहाँ पे यू नो देयर वाजंट एनीथिंग न्यू इन द राइटिंग। राजकुमार राव एंड वरुण शर्मा से अब कुछ अलग देखने की उम्मीद है। जानवी कपूर ट्राइड बट शी लुक मोस्ट कंफर्टेबल फिल्म के एंड में गाने में डांस करते हुए। तब मुझे भी सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि एंड क्रेडिट्स आ गए थे, यानी कि मैं हॉल से निकल पाई आपको ये रिव्यू बताने के लिए। मेरी तरफ से रूही को मैं दे रही हूँ 5 में से पूरे 2 क्विंस, वेरी जेनरस, एंड दीज 2 क्विंस आर ओनली फॉर वरुण शर्मा सीन्स, दोज आर जेन्युइनली फनी। बाकी आई होप दिस रिव्यू वॉज हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द क्विंट और अच्छे वाले कॉमेंट्स लिखना ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई पेज ऑन फेसबुक कॉल स्तुति ऑन द क्विंट टू नो क्या देखें एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या अवॉइड करें।